गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने वाले फाइल के बारे में पढ़ा। हमने जाना कि फाइल क्या है, उसका क्या कार्य है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, उस पार्टों का क्या क्या यूज़ है ना, और इसका कितना प्रकार होता है। प्रकार से पहले हमने इसके क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण को भी पढ़ा, इसका वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना। फिर वर्गीकरण में हमने ये भी पढ़ा कि इसका पहला वर्गीकरण जैसे कि आकार के अनुसार, दूसरा कट के अनुसार, तीसरा ग्रेड के अनुसार और चौथा लेंथ के अनुसार। हमने कल आकार के अनुसार सारी फाइलों के बारे में डिस्कशन किया, जैसे कि फ्लैट फाइल है ना, हैंड फाइल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, हाफ राउंड फाइल और नाइफ एज फाइल के बारे में हमने कल के पार्ट्स में जिक्र किया था। अब आज हम आगे पढ़ेंगे दूसरा अपना, जिसको बोलेंगे अकॉर्डिंग टू कट। कट के अनुसार फाइल के प्रकार, ठीक है। तो कट के अनुसार फाइल के प्रकार, कट कट क्या है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था थोड़ा सा कि जैसे कि आकृति क्या थी, बनावट। कट क्या है, उसके ऊपर जो दांते कटने के तरीके हैं वो कहलाएंगे कट। वो किस किस तरीके से उनके दांते बने हुए हैं उन पर डिपेंड करेगा कि वो फाइलें कितने प्रकार की हो सकती है। उनसे भी हम फाइलों का चयन करते हैं कट के हिसाब से भी, ठीक है। जैसे हमें जिस कट की फाइल का जरूरत होता है, नॉर्मली 5 तरीके के होते हैं। पहला सिंगल कट फाइल, दूसरा है डबल कट, तीसरा है रास कट फाइल, चौथा है सर्कुलर फाइल, सर्कुलर कट फाइल और पांचवा है स्पाइरल कट फाइल। अब आते हैं, पांचों के चित्र बने हुए हैं, ठीक है। तो हम आते सबसे पहले सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल, सिंगल कट फाइल में जो आपके दांते होते हैं वो केवल एक ही दिशा में कटे होते हैं, अच्छे से 60 डिग्री पर। मान लीजिए ये अगर इसको आप नापेंगे अच्छे से 60 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 60 डिग्री पे। ये क्या होते हैं, अच्छे से 60 डिग्री पर दांते कटे होते हैं, ठीक है, सिंगल कट में। और इसमें केवल एक ही तरफ के दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर हार्ड मेटल को काटने के लिए किया जाता है, बट ये ज्यादा मटेरियल नहीं रिमूव करता है, ये बहुत हल्की मात्रा में मटेरियल रिमूव करता है, इसलिए इसकी जो फिनिशिंग होती है वो थोड़ी अच्छी होती है ना। और वहीं आपका जो डबल कट है, इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके कट होते हैं। सिंगल कट में केवल एक ही कट था एक दिशा में, बट डबल कट में दो दिशाओं में कट होते हैं। एक जो नॉर्मल कट होता है इसको बोलते हैं अपर कट, ठीक है, ये वाला आपका अपर कट है। अपर कट जो होता है वो होता है 70 डिग्री का, अपर कट जो होता है आपका वो होता है 70 डिग्री का, और उसके ऊपर जो उसके अच्छे से विपरीत दिशा में होगा वो कहलाएगा अप कट। क्या कहलाएगा, अप कट। अप कट आपका होता है 51 डिग्री का, ठीक है। आपका जो अपर कट है यानी कि जो मेन कट रहेगा वो आपका 70 डिग्री का रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिंगल कट की तरह 60 डिग्री रखेंगे, नहीं, आपका जो डबल कट में जो आपका अपर कट होगा वो कितना होगा, 70 डिग्री का होगा, और उसके ऊपर जो अप कट बनेगा वो होगा 51 डिग्री का। इसका प्रयोग रफ कार्यों के लिए किया जाता है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा मेटल रिमूव करता है, बट इसकी जो फिनिशिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है, इसलिए इसका अधिकतर प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, रफ कार्य के लिए करते हैं, ठीक है। चल तीसरा है रास्प कट। रास्प कट क्या है, अब नॉर्मली देखिए आपने सिंगल कट डबल कट तो समझा, लेकिन जो रास्प कट है उसमें उसके जो कट है वो एक ही रेखा में नहीं और एक दूसरे के समांतर नहीं बनेंगे। इसमें क्या होता है, पंच के थ्रू उनको घाव देके अलग से उभारा जाता है, यानी उसको उठाया जाता है थोड़ा सा। और ये फाइलों का यूज अधिकतर मुलायम धातुओं को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका चमड़े के लिए, लकड़ी के लिए, है ना, इन सभी चीजों के लिए, और घोड़े के खुर को साफ करने और एकदम प्लेन करने के लिए, चिकने करने के लिए इन फाइलों का यूज किया जाता है। रास्प कट फाइल का प्रयोग मुख्यतः मुलायम धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। तीसरा है सर्कुलर फाइल। सर्कुलर फाइल और स्पाइरल कट फाइल, इन दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कहीं कहीं इन दोनों को एक ही माना जाता है, बट समझे तो थोड़ा सा अंतर है। सर्कुलर कट फाइल अधिकतर हाफ राउंड फाइल में होता है, इसलिए क्या होता है, एक दूसरे के समांतर हल्के राउंड शेप में इनकी पूरी कट्स होती है, ठीक है। और जो कि स्पाइरल कट्स जो है वो क्या है, ये अधिकतर राउंड फाइल पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये कट जो होते हैं राउंड फाइल पे होते हैं, ये कट अधिकतर हाफ राउंड फाइल पे होते हैं, ठीक है। ये आपके पांचों कट के अनुसार फाइल के प्रकार हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू कट फाइल कितने प्रकार के होते हैं, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अकॉर्डिंग टू ग्रेड यानी ग्रेड के अनुसार
फाइल कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः पांच प्रकार के होते हैं। पहला है रफ फाइल, दूसरा बास्टर्ड फाइल, तीसरा है सेकेंड कट फाइल, चौथा है स्मूथ फाइल और पांचवा है सुपर स्मूथ फाइल। बट कहीं कहीं पे ना आपको इसमें एक और ग्रेड देखने को मिलेगा, स्मूथ और डेड सुपर स्मूथ के बीच में एक और होता है। कहीं कहीं किसी जगहों पे आपको डेड स्मूथ का भी जिक्र मिलेगा कि वहां पे कहीं पे आपको स्मूथ के बाद डेड स्मूथ मिलेगा, फिर सुपर स्मूथ मिलेगा। अब अधिकतर में आपको स्मूथ या फिर सुपर स्मूथ, स्मूथ के बाद सुपर स्मूथ, डेड स्मूथ उसमें नहीं जिक्र होता है। तो होता कुछ नहीं, उनकी ग्रेडिंग बस थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है, स्मूथ से तो डेड स्मूथ हो जाता है, उससे ज्यादा बढ़ा दी जाती है तो सुपर स्मूथ हो जाता है। अब ग्रेड होते कैसे हैं पहले ये समझते हैं। ग्रेड, अब जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जैसे आपको बालू को साफ करना होता है तो आप एक जाली का प्रयोग करते हैं, अगर महीन बालू है तो उसके लिए हम लोग एकदम स्मूथ ग्रेड यानी कि लो ग्रेड की क्या कहते हैं जाली यूज करते हैं, और अगर वही मोटी बालू है तो थोड़ी मोटे ग्रेड की जाली यूज करते हैं। अब मोटे ग्रेड की जाली क्या हुआ, मान लीजिए कि जैसे ये जाली है, इसमें ये जो स्पेस है ये स्पेस ज्यादा होता है, और जो स्मूथ ग्रेड की है उसमें ये स्पेस कम रहेगा। समझ रहे ना बात को, यही आपका ग्रेड है। आपके दो दांतों के बीच की दूरी जितनी कम रहेगी वो उतनी स्मूथ ग्रेड की रहेगी, ठीक है। दो दांतों के बीच की दूरी को ही डिफाइन करने के लिए हमने ग्रेड का प्रयोग किया है कि ग्रेड कैसे कैसे कहते हैं कि आप कितनी क्लोज ले जा रहे हो वो उतनी स्मूथ ग्रेड की फाइल हो जाएगी, आप जितनी दूर ले जाओगे यानी कि जितना डिस्टेंस रखोगे उतनी रफ सरफेस की फाइल हो जाएगी। अब सबसे पहले आते हैं रफ फाइल। रफ फाइल में क्या होता है, रफ फाइल में होता यह है कि इसमें जो ये मान लीजिए कि हम उस फाइल के एक सेंटीमीटर वाले हिस्से को उठा लिए, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 1 cm, 1 cm। अब होता क्या है, मान लीजिए हमने 1 cm दूरी उठा ली, इस 1 cm में उसके कितने दांते कटे हैं इस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी किस ग्रेड की फाइल है। अब जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि आपके रफ सरफेस में जो होता है 1 cm में 8 दांते कटे होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 8 दांते है ना, 8 दांते 1 cm में कटे होते हैं। ये आपके रफ सरफेस का होता है, सॉरी रफ फाइल का होता है। रफ फाइल में 1 cm में 8 दांते कटे होते हैं। वहीं आपका जो बास्टर्ड फाइल है उसमें क्या होता है, उसमें 1 इंच में आपके एक सेंटीमीटर में आपके 12 दांते कटे होते हैं, ठीक है। ये है बास्टर्ड का, 1 cm में आपके 12 दांते कटे होते हैं। तो आप जो आप खुद देख सकते हैं इसके बीच के स्पेस ज्यादा है, इसके स्पेस कम हो गए, क्योंकि 1 ही सेंटीमीटर में अगर हम 8 दांते काट रहे हैं और 1 cm में 12 दांते काट रहे हैं, तो जो 12 दांते कट रहे हैं उसमें ज्यादा स्पेस नहीं रहेगा, आपके 8 दांते वाले में ज्यादा स्पेस रहेगा। और इसका प्रयोग अधिकतर वहां किया जाता है जहां पे अधिक से अधिक मेटल काटना हो, जितने कम स्पेस रहेंगे वो उतना अधिक मटेरियल काटेगा, और जितने कम स्पेस रहेंगे वो उतने ही कम मटेरियल काटेगा। तो जो हमें सबसे ज्यादा मटेरियल काटना होता है तो हम लोग रफ फाइल का प्रयोग करते हैं जिसमें 1 cm में 8 दांते कटे होते हैं। और जब हम नॉर्मली जो अपने नॉर्मल कार्यों के लिए यूज करते हैं वो होती है बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में 1 cm में 12 दांते कटे होते हैं। फिर आती है थर्ड नंबर पर सेकेंड कट फाइल। इस फाइल को लेकर मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सेकेंड कट फाइल और डबल कट फाइल में। ध्यान दीजिएगा, सेकेंड कट फाइल और डबल कट फाइल, इन दोनों फाइल में लोग अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों लोग को लगता है कि दोनों एक ही तो नाम है, एक सेकेंड कट एक डबल कट। इंग्लिश में बोलने के ये दो तो अलग अलग तरीके हैं, इनको ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है। दोनों फाइल में जमीन आसमान का फर्क है। एक जो सेकेंड कट फाइल है ये आपके ग्रेड के अनुसार फाइल है, ये आपके ग्रेड के अनुसार फाइल है, और डबल कट फाइल जो है ये आपके कट के अनुसार फाइल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पेपर में भी पूछ लेता है कि सेकेंड कट और डबल कट फाइल में क्या अंतर है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि ये दोनों सेम ही है लिख के आ जाते हैं, ऐसे चीजों में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी।
आप इस चीज को ध्यान दें, डबल कट फाइल जो है वो कट के अनुसार फाइल का प्रकार है और सेकंड कट फाइल जो है वो ग्रेड के अनुसार फाइल का प्रकार है। ठीक है, इस चीज को लेकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अब आते हैं तो रफ सरफेस में एक सेंटीमीटर में कितने दांत होते हैं? 8। ठीक है, एक सेंटीमीटर में। और आपका बास्टर्ड में एक सेंटीमीटर में होते हैं 12 दांत। आपके सेकंड कट में एक सेंटीमीटर में होते हैं 16 दांत। ठीक है, आपके स्मूथ में एक सेंटीमीटर में होते हैं 20 से 24 दांत। ठीक है, फिर अगर डेड स्मूथ रहेगा तो डेड स्मूथ में एक सेंटीमीटर में आपके 30 से 35 दांत। और जो आपका सुपर स्मूथ है इसमें एक सेंटीमीटर में आपके हो जाएगा, एक सेंटीमीटर कितने दांत हो जाएंगे? 40 से 65 दांत। होता क्या है, अब देखिए नॉर्मली हमने अगर बहुत ज्यादा मेटल काटना है तो हमने रफ फाइल का यूज किया। फाइल को बनाने का इतने प्रकार बनाने का कारण क्या था? बस अलग अलग तरीके से फाइल को जॉब को अपने मेंटेन करना। अब हमें जैसे बहुत ज्यादा मेटल काटना है तो हमने रफ फाइल का यूज किया, हमें थोड़ा बहुत मेटल काटना है तो हमने क्या किया, बास्टर्ड फाइल का यूज किया। हम जब अपने एकदम कह सकते हो अपनी लास्ट लिमिट के पास पहुंचने वाले हैं तो हमने क्या किया, हमने सेकंड कट फाइल का यूज किया ताकि हम ज्यादा ना घिस दें या ज्यादा मेटल ना काट दें। फिर उसके बाद फिनिशिंग के लिए हमने क्या किया, स्मूथ फाइल का यूज किया, स्मूथ या फिर डेड स्मूथ फाइल का यूज किया, जो भी आप कह लीजिए। बेसिकली आपका स्मूथ फाइल ही यूज होता है, डेड स्मूथ फाइल नहीं यूज होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, फिनिशिंग के लिए स्मूथ फाइल का यूज किया। अगर हमें बहुत ज्यादा शुद्धता देनी है, बहुत ज्यादा फिनिशिंग देनी है तो लास्ट के लिए हम क्या करेंगे, सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारी फिनिशिंग और चिकनाई बहुत ही अच्छी आएगी। ठीक है, उस पर कोई भी सरफेस में कोई भी निशान नहीं रहेगा। मेनली ग्रेड का यही एक काम है। इस ग्रेड का काम क्या है कि हमें कितना मेटल काटना है उसके अनुसार हमें फाइल का चयन करते समय हमें ग्रेड का ध्यान जरूर होना चाहिए। अब पता चला हमें काटना है बहुत ज्यादा मेटल, ठीक है, हमें मान लीजिए कि अगर हमें 3 mm काटना है, ठीक है 3 mm काटना है, और अगर हम स्मूथ फाइल लेके अगर उससे कटाई शुरू कर दें तो क्या होगा, पता चलेगा कि 4 घंटे हमने घिसा है उसके बाद जाके वो 3 mm कटा है। ऐसा ना हो तो अगर 3 mm है तो हम या तो बास्टर्ड फाइल का यूज करेंगे या तो रफ फाइल का, कोशिश करेंगे हम रफ फाइल का प्रयोग करेंगे, उससे 3 mm आपका जल्द से जल्द कट जाएगा। और नहीं होता है तो बास्टर्ड फाइल का यूज करेंगे तो जो आपका 4 घंटे लग रहा है वो 4 घंटे ना लग के वो आपका या तो 30 मिनट में हो जाएगा या तो 1 घंटे में हो जाएगा नॉर्मली। ठीक है, अब जहां आपको मान लीजिए कि सरफेस को फिनिश करना है, एकदम आप फिनिशिंग लाइन पे हैं, आपका एग्जैक्ट साइज आ चुका है, बस आपको उसको क्या करना है, हल्का सा उस पर कोई स्क्रेच है या कोई निशान रह गया है उसको हटाना है। उसके लिए क्या करेंगे, अगर आप उसके लिए बास्टर्ड फाइल या रफ फाइल का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप करोगे वो लिमिट लाइन से नीचे चला जाएगा, घट जाएगा आपका जॉब। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ना करके हम क्या करेंगे, उसके लिए फिर स्मूथ फाइल या फिर सुपर स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें केवल फिनिश करना है। ठीक है, हमें उसको घटाना नहीं है। तो हमें यह चीज ध्यान देना है कि हमें किस टाइम पे कौन सी फाइल का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया, मैंने बताया कि शेप के अनुसार फाइल है तो उसको क्या करना है, किस शेप का किस जगह पे यूज करना है, ये समझा आपने। अब क्या है, कट के अनुसार फाइल का क्या है, तो अब कौन से कट वाली फाइल किस पे होती है ये भी आपने समझ लिया। लेकिन अब ग्रेड का क्या है, ग्रेड में ये है कि आपको किस तरह की फिनिशिंग चाहिए, कितना मेटल हटाना, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फाइल का सिलेक्शन करेंगे। डिपेंड इस पे करता है भाई हमें कितने ज्यादा मेटल हटाने हैं। अगर फिनिशिंग करनी है तो स्मूथ और सुपर स्मूथ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एकदम क्लोज लाइन पे है तो हम सेकंड कट फाइल का प्रयोग करेंगे, और हमें ज्यादा मेटल रिमूव करना है तो हम बास्टर्ड और रफ फाइल का प्रयोग करेंगे। समझ में आया, ग्रेड के अनुसार फाइल पढ़ लिया। अब हमारा चौथा है लेंथ के अनुसार फाइल के प्रकार। लेंथ के अनुसार फाइल के प्रकार, लेंथ के अनुसार जो फाइल के प्रकार होते हैं उनमें कोई नाम नहीं है उनके की ऐसा, जैसा कि आपने सिंगल कट, डबल कट, रफ कट, या फिर ग्रेड में आए तो रफ फाइल, सेकंड कट फाइल, बास्टर्ड फाइल, ऐसा उसका कोई नाम नहीं है। बाजार में नॉर्मली लेंथ के अनुसार यानी लंबाई के अनुसार फाइलें 10 सेंटीमीटर 10 cm टू 45 cm, यानी 10 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर तक की फाइलें बाजार में उपलब्ध होती हैं। 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm,
100 एमएम से 450 एमएम तक की फाइलें बाजार में उपलब्ध होती हैं। हमें जैसा कार्य होता है हम उस प्रकार की फाइल का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमें छोटे कार्य है तो हम क्या करेंगे, छोटे कार्यों के लिए, महीन कार्यों के लिए हम 10 से 15 एमएम तक की फाइल, सॉरी 15 सेंटीमीटर तक की फाइल, 15 सेंटीमीटर तक की फाइल का प्रयोग करेंगे स्मूथ कार्य नॉर्मल कार्यों के लिए, ठीक है, स्मॉल कार्यों के लिए, छोटे कार्यों के लिए। और जब आपके मीडियम कार्य रहेंगे, मीडियम कार्य के लिए 15 से 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और जब आपके भारी कार्य रहेंगे तो भारी कार्यों के लिए 25 से 45 सेंटीमीटर। यानी इसमें भी हम अपने कार्य के अनुसार ही फाइल का चयन करें। मैंने शुरू से ही आपको इस चीज को बताया ना कि हमें जैसा कार्य होगा हम उसके अनुसार फाइल का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे कार्य बहुत छोटे हैं तो हम उनके लिए 10 से 15 सेंटीमीटर वाले फाइल का प्रयोग करेंगे। हमारे कार्य मीडियम क्लास के हैं, ना ज़्यादा भारी है ना ज़्यादा छोटे हैं, तो हम 15 से 25 सेंटीमीटर वाले फाइल्स का प्रयोग करेंगे। और अगर हमारे कार्य बहुत भारी हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 से 45 सेंटीमीटर वाले फाइल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी हमें बस वही सेम कंडीशन है, क्या है कि हमें अपने कार्य के अनुसार ही फाइल का चयन करना है। ये हमेशा ध्यान देना है, चाहे वो आपका शेप के अनुसार हो, चाहे कट के अनुसार हो, चाहे ग्रेड के अनुसार हो, चाहे लेंथ के अनुसार हो, हमेशा हमें हमारे कार्य के अनुसार ही फाइल का चयन करना है। ऐसा नहीं कोई भी फाइल उठाई और फाइलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने कार्य को समझना है, उसमें कौन कौन सी फाइल का प्रयोग किया जाएगा उसके अनुसार ही हमें फाइल का चयन करना है। ऐसा नहीं कि हमने उठाया ढेर सारी रखी उसमें से चार उठाई जो मन किया लेके चले आए, नहीं, हमारा कार्य जैसा है, अगर हमारे में एंगल है तो हमें एंगल के अनुसार फाइल लेना होगा, या तो ट्रायंगुलर या तो नाइफ एज। फिर एंगल कितने डिग्री का है, अगर 60 डिग्री से कम का है तो हम नाइफ एज फाइल यूज करेंगे, 60 डिग्री से अधिक का है तो हम ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग करेंगे, कोई स्क्वायर छोटा सा स्लॉट है तो हम स्क्वायर फाइल का यूज करेंगे, ठीक है ना। कहीं पर अगर ज्यादा मटेरियल काटने हैं तो हम रफ फाइल का यूज करेंगे, कहीं पर अगर कम मटेरियल काटने हैं केवल फिनिशिंग देनी है तो हम सुपर स्मूथ फाइल का यूज करेंगे, ठीक है। कहीं पे छोटे कार्य है, ज्यादा बड़ा गैप नहीं, वहां पे हमें फ्लैटनेस करनी है तो हम क्या करेंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर वाली फाइल का यूज करेंगे। कहीं पे बहुत ज्यादा चौड़ाई वाली जगह है, वहां पे हमें बहुत दूर तक छोटी फाइल को घिसना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 25 से 45 एमएम के सेंटीमीटर की फाइल का प्रयोग करेंगे। जैसा हमारा कार्य रहेगा उसके अनुसार हमें फाइल का प्रयोग करना है, समझ रहे हैं। फिर आते हैं फाइलिंग। अब देखिए आपका जो टाइप्स ऑफ फाइल था वो तो खत्म हो गया, तो अब हम आते हैं फाइलिंग पे। फाइलिंग क्या है, मैंने आपको शुरू में भी बताया फाइलिंग एक प्रोसेस है, फाइल के द्वारा जॉब पे की गई क्रिया फाइलिंग कहलाती है। क्या है, फाइल के द्वारा जॉब पे जो हम क्रिया करते हैं इस विधि को क्या कहेंगे, या इस क्रिया को क्या कहेंगे, फाइलिंग कहेंगे, ठीक है। फाइलिंग के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग चार तरीके से की जाती है, ठीक है। पहला है स्ट्रेट फाइलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपका एक जॉब है, ठीक है, इस जॉब पे हम क्या करेंगे, फाइल को अपने यहां से यहां तक रखा, उसके बाद हम केवल एक ही दर पे पूरी पूरी फाइल चलाएंगे, ठीक है, स्टार्ट से आखिरी तक, बट हमारी फाइल इधर नहीं भागेगी, ये केवल यहीं पे स्ट्रेट चलेगी, ठीक है, एकदम स्ट्रेट, बस नॉर्मली सीधी सीधी फाइलिंग करनी है। इस तरीके में क्या होगा, इस तरीके में फाइल जो है ज्यादा से ज्यादा मेटल रिमूव करती है, ठीक है, और इससे हमारी जो स्टेशनरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। बस इसमें हमें एक चीज का ध्यान देना होगा, हमें अपने फाइल के दोनों सिरों पर बराबर जोर देना होगा, वरना एक साइड घिस ज्यादा घिस जाएगा, एक साइड कम हो जाएगा, ठीक है। और वहीं आपका जो दूसरा है क्रॉस फाइल, क्रॉस फाइल में क्या होता है, हम क्या करते हैं 45 डिग्री पे फाइल को रखते हैं, थोड़ा सा अपने जॉब से तिखा रखेंगे, मान लीजिए आपका ये जॉब है, हम क्या करेंगे फाइल ऐसे रखेंगे 45 डिग्री इस पे चलाएंगे और इससे इधर की तरफ क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद इधर से फाइल रखेंगे, फिर उससे इधर की तरफ क्रॉस करेंगे, ये एक दूसरे के क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, 45 डिग्री पे रख रख के फाइलिंग करेंगे। इससे क्या होगा, इससे मटेरियल तो कम रिमूव होगा लेकिन इससे फिनिशिंग अच्छी आती है, ठीक है, क्रॉस फाइल में, है ना। कोई एक स्पॉट हो, कोई एक स्पॉट पे भी हम अच्छे से फाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और जहां आपका तीसरा है ड्रॉ फाइल, ड्रॉ फाइल में क्या होता है, ड्रॉ फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि जब आपने फाइलिंग की, मान लीजिए आपने फाइलिंग की, आपसे बाई चांस कहीं पे थोड़ा सा एक स्पॉट छूट गया, कहीं पे बीच में एक भाग उभरा हुआ है, तो आप जब आप अगर स्ट्रेट फाइलिंग करेंगे तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपका ये जॉब है,
ठीक है, सॉरी चौकोर जॉब ले लेते, ये आपका जॉब है, आपने ये पूरा फिनिश कर दिया, ये पूरा फिनिश कर दिया, सब अच्छे से फिनिश हो गया, ठीक है। बट यहां पे एक हल्का सा उठा रह गया इतना भाग, ठीक है। अब अगर आप स्ट्रेट फाइलिंग करेंगे यहां पे, तो आपका ये हिस्सा भी जाएगा, ये हिस्सा भी जाएगा, हो जाएगा ना। बट ऐसा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ फाइल का यूज करते हैं। ड्रॉ फाइल में हम क्या करते हैं, जॉब को, जॉब के ऊपर अच्छे से आपका जो फाइल है उसको ऐसे पकड़ेंगे, ये सिरा, दूसरा सिरा, ठीक है, हैंडल और उसका टिप वाला सिरा, दोनों सिरे को ऐसे पकड़ के उसका जॉब पे रख के केवल उस स्पॉट पे आगे पीछे करने से उसका जो ये स्पॉट है केवल ये स्पॉट घिसेगा और हमें एक जो उभरा वाला हिस्सा है वो भी एक फिनिश लाइन पे पहुंचा सकते हैं आसानी से। ऐसे क्या होगा, हमारे बाकी जो दो सिरे हैं वो खराब नहीं होंगे। ड्रॉप फाइल का यूज बीच में कहीं उभरे हुए हिस्सों पे फाइलिंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और चौथा है हमारा कवर्ड फाइलिंग। कवर्ड फाइलिंग क्या है, जैसे कि आप जानते हैं कि मान लीजिए कोई राउंड जॉब है, कवर्ड फाइल में दो तरीके की फाइलिंग आती है, एक होता है कॉन्वेक्स फाइलिंग, एक होता है कॉनकेव फाइलिंग। कॉन्वेक्स फाइलिंग यहां पे होता है जहां पे उभरी हुई सतह बनानी है। मान लीजिए हमें एक जॉब है, ये हमारा जॉब है, इसमें कुछ इस टाइप के कट है, ठीक है, ये हमारा जॉब, मान लीजिए हमें इस जॉब को बनाना है। अब इसमें जो ये उभरा वाला हिस्सा है, राउंड वाला हिस्सा, इसको बनाने के लिए हम कॉन्वेक्स फाइलिंग करेंगे। कॉन्वेक्स फाइलिंग में ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, राउंड के अनुसार फाइल को चलाते हैं, हमेशा फाइल को ऐसे उठा के दबाते हैं, ठीक है, ये आपकी कॉन्वेक्स फाइलिंग हो गई। और कॉनकेव फाइलिंग में क्या है, इसमें आपको गहराई बनानी होती है, एक में आपको इसका उभार बनाना होता है, ये कॉन्वेक्स फाइल कहलाएगा, फाइलिंग कहलाएगा, और जिसमें आपको इसको गहराई बनानी होती है ये कॉनकेव फाइल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉनकेव, ठीक है। आपके कवर्ड फाइलिंग में दो तरीके आते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। कॉन्वेक्स फाइलिंग में आपको उसका उभार बनाना होता है और कॉनकेव फाइलिंग में आपको उसकी गहराई बनानी होती है, ठीक है। दोनों, बट दोनों के दोनों को क्या, राउंड शेप में बनाता होता है, इसलिए फाइल को हमेशा आप ऊपर से नीचे की ओर लहराते हुए चलाते हैं, ठीक है, ये हमेशा ध्यान देना, ये चारों तरह की आपकी फाइलिंग है। जैसा कि स्ट्रेट फाइलिंग में आपको लाइन बाय लाइन एक एक जगह करना होगा, यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ठीक है। क्रॉस फाइलिंग में आपको यहां से 45 डिग्री पे मोड़ते हुए इधर जाना है, फिर एक बार 45 डिग्री पे मोड़ते हुए इधर आना है। जो आपका ड्रॉ फाइलिंग है उसमें क्या है, जॉब को अच्छे से जो स्पॉट हो उस पर रख के अच्छे से दोनों साइड से बराबर प्रेशर देते हुए फाइलिंग करनी है। और कॉन्वेक्स कॉनकेव में क्या है, कॉन्वेक्स में आपको उसका उभार वाला हिस्सा बनाना है, कॉनकेव में क्या है उसकी गहराई वाले हिस्से को बनाने का तरीका होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो थी आपकी फाइलिंग, अब आते हैं फाइलिंग से कुछ संबंधित सावधानियां। फाइलिंग करते समय या फाइल का यूज करते समय हमें कुछ सावधानियां जरूरी है बरतना, जैसे जैसे कि हमें फाइलिंग में मान लीजिए कि हमें थोड़ा सा मटेरियल हटाना है, ये हमारा जॉब है, ठीक है, इसकी साइज है 61 mm, ठीक है, हमें इसको एग्जैक्ट 60 बनाना है, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा घिसेंगे, फिर ट्राई स्क्वायर से नापेंगे, फिर घिसेंगे, फिर ट्राई स्क्वायर से नापेंगे, ये प्रोसेस सही है, बट हमें क्या करना होगा, पहले इसके 60 mm पे मार्किंग करनी होगी, 60 mm पे मार्किंग करनी होगी, इसको डॉट पन से पंचिंग करनी होगी, ठीक है। उसके बाद हमें एक स्पॉट मिल गया कि हाँ हमें यहां तक की फाइलिंग तो पहले अच्छे से करनी ही है, जब इसके हम क्लोज पहुंचेंगे, ऐसा नहीं हम केवल एक निशान लगा ले, निशान मिट सकते हैं तो हमारे जॉब खराब हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस निशान को अच्छे से मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के बाद क्या करेंगे, मार्किंग करने के बाद इसको अच्छे से पंचिंग कर लेंगे। पंचिंग करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम फाइलिंग स्टार्ट करेंगे और फाइलिंग करते करते आराम से हम अपने 60 mm तक ले आके उसके बाद इसको फिनिश कर सकते हैं अच्छे से। अगर हम मार्किंग ना करें तो कहीं पे ज्यादा हो सकता है, किसी साइड कम हो सकता है, ऐसी कंडीशन प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, फाइलिंग को सबसे पहले क्या करना है, फाइलिंग करते समय सबसे पहले तो हमें जितनी फाइलिंग करनी है उसको मार्किंग करना है, फिर इस चीज का ध्यान देना है कि फाइल हमें किस टाइप से यूज करना है। हमें फाइल का प्रयोग इस टाइप से करना है कि जिस टाइप, जिस तरह का हमारा जॉब है उसके अनुसार ही हम फाइलिंग करें। जैसे कि अगर उसमें
उभार वाले कोई राउंड शेप है तो हम क्या करेंगे कॉन्वेक्स फाइलिंग करेंगे, और अगर कहीं गहराई वाले फाइल है तो क्या करेंगे कॉन्केव फाइलिंग करेंगे, कहीं पे हमारा अगर हल्का सा स्पॉट उठा है तो क्या करेंगे ड्रॉ फाइलिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपका राउंड शेप है तो आप उसमें कॉन्वेक्स फाइल को ड्रॉ की तरह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये गलत हो गया। आपको जो फाइलिंग जिस चीज के लिए बताई गई उस फाइलिंग को उसी चीज के लिए करना है, ऐसा नहीं कि अपने से अलग अलग चीजों को बदल के नया नया एक्सपेरिमेंट करूं, नहीं, कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, जो जिस चीज के लिए बना है उसको उसी चीज के लिए करना है, ठीक है। अब फाइल को यूज करते समय कुछ बातों को जरूर ध्यान देना है, पहला आपका मार्किंग जरूर कर लेना है फाइलिंग करने से पहले, ठीक है। दूसरा फाइलिंग करते समय बार बार उसको झुक के देखना नहीं है या झुक के फाइलिंग नहीं करनी है, इससे क्या होगा उसके जो बर है वो आपके आंख में जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर फाइलिंग आपको स्ट्रेट करनी है तो आपका जो हाथ का मूवमेंट है ये हमेशा 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये हिस्सा एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए, वरना आपकी फाइलिंग जो है वो टेढ़ी होगी। अगर ये नीचे की ओर गया तो ये फाइलिंग ऐसे होगी, और ये अगर ऊपर की तरफ गया तो ये फाइलिंग भी ऐसे होगी, तो अगर ऐसे करेंगे तो आगे का हिस्सा घिस जाएगा और ऐसे करेंगे तो नीचे का हिस्सा घिस जाएगा, तो इसलिए इसको 90 डिग्री पे मूवमेंट बनाना जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या, हमें फाइलिंग करने से पहले सबसे पहले वॉइस सेलेक्ट करनी है। वॉइस सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, वॉइस को अपने हाइट के अनुसार सेलेक्ट करना है, हमारी जितनी हाइट है उतनी हाइट की हमें वॉइस सेलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वॉइस पे जाकर वर्क करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है अपनी हाइट के अनुसार वॉइस का सिलेक्शन करना है। कैसे करेंगे, हम अपने ये ठुटी पे अपना हाथ लगाएंगे, एकदम सामने देखते हुए इसको वॉइस पे रखेंगे और इस पे इसको टच कराएंगे। अगर ये एकदम सीधा है तो आपके लिए वॉइस परफेक्ट है, अगर ये उठता है तो वॉइस बड़ी है, और ये झुकाना पड़ रहा है तो वॉइस छोटी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉइस का सही सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम फाइल का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना, फाइल को चलाने का तरीका। अब उसका नेक्स्ट आएगा जॉब के अनुसार हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे जॉब के अनुसार हम फाइल का सिलेक्शन करेंगे। मान लीजिए अगर हमें कोई स्क्वायर बनाना है तो हम स्क्वायर फाइल का यूज करेंगे, कहीं अगर स्ट्रेट फाइलिंग करनी है तो हम फ्लैट फाइल का यूज करेंगे, अगर उसके किसी सिरे को बचाना है तो हम सेफेस्ट फाइल का यूज करेंगे, है ना, कहीं राउंड शेप है तो राउंड फाइल का यूज करेंगे, हाफ राउंड फाइल का यूज करेंगे, कहीं पे अगर 60 डिग्री से कम का कोण है तो हम नाइफेज फाइल का यूज करेंगे, 60 डिग्री से अधिक का कोण है तो हम ट्रेंगुलर फाइल का यूज करेंगे, है ना। हमारा जैसा जॉब रहेगा उसके अनुसार हम फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ज्यादा मटेरियल काटना है तो हम क्या करेंगे रफ फाइल का प्रयोग करेंगे, कम मटेरियल काटना है तो हम क्या करेंगे सेकेंड कट फाइल का यूज करेंगे, केवल फिनिशिंग देनी है तो हम क्या करेंगे स्मूथ फाइल का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसी कंडीशन उसके अनुसार फाइल का प्रयोग, ज्यादा हैवी कार्य है तो हम क्या करेंगे 25 से 45 सेंटीमीटर की फाइल का प्रयोग करेंगे, और अगर हल्के कार्य है तो 10 से 15 सेंटीमीटर के फाइल का प्रयोग करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट क्या है, मान लीजिए अगर हम फाइल का प्रयोग करने जा रहे हैं तो फाइल का प्रयोग करते समय यह भी ध्यान देना है कि उसकी जो हैंडल है वो हिलती हुई ना हो, और बिना हैंडल की फाइल का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है, ये जरूर ध्यान देना है। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं कि हम ऐसे पकड़ के कर लेंगे, कर लोगे, बट अगर वो आपके जो टैंग है वो आपके हाथ में घुस जाएगा तो आपको ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो सेफ्टी को मस्ट इंपॉर्टेंट मानते हुए हमें ऐसी फाइलों का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फाइलिंग करते समय जो आपके जो जॉब है और जो फाइल है उस पर ना तो ग्रीस लगा हो ना तो ऑयल लगा हो, ऐसी चीजें नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा होने से क्या होगा वो फिसलेगा और आपको चोट लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए पिनिंग बहुत ज्यादा आती है, पिनिंग ऑफ फाइल क्या होती है, जब आप फाइलिंग करते रहते हो तो ज्यादा दबाव या ज्यादा प्रेशर की वजह से जॉब के कुछ टुकड़े आपकी फाइल में फंस जाते हैं, ये होता है पिनिंग ऑफ फाइल। और इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वायर ब्रश का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वायर ब्रश की सहायता से हम इसकी पिनिंग को साफ करते हैं। आपको इन्हीं सब सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए फाइल का प्रयोग करना है, ठीक है। थैंक यू।